हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ है। अभी मैं वीडियो में दूसरा दुकानदार लेके नहीं आया हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई बहुत चल रहा है टिकटॉक वर्जे यूट्यूब, टिकटॉक वर्जे यूट्यूब। यूट्यूब पे भी वीडियो सब बना रहे हैं और टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं। मैंने देख रहा था एक हफ्ते से कि ये क्या है, तो मैंने अभी देखा भाई कैरी मिनाटी ने एक वीडियो रखा था, तो मैंने उसका वीडियो देखा। ये भैया की कोई टिकटॉकर है, नाम है उसका सिद्दीकी करके, उसने कुछ बोला है यूट्यूबर के बारे में कि भाई एक बात बोलना चाहूँगा कि कोई घर में वीडियो देख रहा हो तो एक हेडफोन लगा लीजिए या फिर अपना वॉइस है वो कम कर लीजिए, और हो सके तो अकेले में वीडियो देखिए। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो। तू आर्टिस्ट है? जी 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 बेटी चोद, सही से करियो, मजा आना चाहिए और शो खत्म होने के बाद मुझे पूरा हिसाब क्लियर चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं। सही बता रहा हूं, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला बारी नहीं आ रहा, एक नया दौर आ चुका है जहां छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। बेटी चोद, सही से करियो, तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहन चोद। और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। हाँ, बहुत यूनिटी है तुम में। इन्होंने ना टिकटॉकर्स की टीम बना रखी है। मैं मरने से पहले बस एक बार इनका घर देखना चाहता हूँ। हर कमरे में बहन चोद 2-3 एनिमे कैरेक्टर बैठे होंगे जिनका तीली जैसा शरीर और मोमबत्ती जैसे बाल, कतई शाका लाका बुम बुम वाली पेंसिल लगते। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं। कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारी वीडियोस की तरह स्लो मोशन में चलता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे 9-10 वीडियो बनाने में तो पूरा दिन निकल जाता होगा ना। एक वीडियो को बनाने 5 मिनट लगते ज्यादा से ज्यादा। तुम दिन में 2 भी पोस्ट करते हो तो तुम्हारे 10 मिनट जाएंगे। ये है मेंटोस जिंदगी। एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। ये कौन सी जिंदगी है मुझे नहीं पता। आंटी तेरा साबुन स्लो नहीं कतई मर चुका है, तुम्हें ये बकचोदी करने में 4 घंटे कैसे लग रहे हैं? अगला इतनी देर में पूरे साल के लिए सेट हो जाएगा, तुमसे एक ट्रांजिशन नहीं डल रहा। ये बच्चों के हाथ में किसने दे दिए फोन? देखो मैं इस भसड़ में नहीं घुसूंगा, कौन बेहतर है, जिसको जो देखना है देखे। तो ये दुआ करो कि हम लोग YouTube पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को YouTube पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो, मजाक को मजाक की तरह लिया करो। और अभी बताता हूँ मैं इतनी यूनिटी क्यों है तुम में। गाइस यार कोई बुरी बांधने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। अगर तुमने मजे में लिया होता तो तुम्हारे फोन नहीं आ रहे होते मुझे। हाँ भाई मिस्टर फैजू, फैजू कैसे कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि कौन सी दिशा में चलती है? अबे तुम टिकटॉक से हो, अंडरवर्ल्ड से नहीं, जो तुम्हारे फोन से गांठ फटेगी मेरी। और ये एजेंसी का कौन सा टट्टा जो मेरा नंबर दे रहा है? बहनचोद तेरी नौकरी खा जाऊंगा। ये फ्रंट कैमरा में इतना घुस चुके हैं, ये आईना देखना भूल गए हैं। इस बेटी को जब कोई ऑनलाइन देखता और फिर असली में देखता ना, तो उसमें इतना फर्क है। लेकिन यार अगेन, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, नफरत नहीं है। पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। दिन में 10 वीडियो तुम डाल रहे हो और पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। इनकी हरामजादगी इतनी है कि टिकटॉक पे 15 सेकंड नहीं 1 मिनट तक की वीडियो अपलोड हो सकती है। लेकिन क्या ये 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे? 15 सेकंड की 4 वीडियो बना देंगे। और फिर पैसे के पीछे कौन भाग रहा है? हम। व्यूज के पीछे कौन भाग रहा है? हम। इज्जत कौन नहीं कर रहा है? हम। अरे यार इसकी शक्ल देख के ना मुझे इस पे बहुत दया आती है। तो देखा आपने, और ये तो क्या है, ये अपने हिंदुस्तान भाव है, उन्होंने भी बहुत सारे उसने बजाई, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी का वीडियो वो अमीर सिद्दीकी, उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग अभी मेरे को किसने भेजा, पहला रिकॉर्डिंग, बाद में टप्पा टप। मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले रहे ना? सही है ले लो मजे ले लो, दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है, तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है, अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमजान था इसके लिए चुप बैठा था, गाड़ी कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद। जो तू गाली गलौज करेगा, तेरी गांड कम मारी पब्लिक ने, वो बच्चे को धमकी दे रहा है,
हाँ क्या उखाड़ेगा उसका, क्या उखाड़ेगा? तू और तेरी सारी फल्टन, समझा? तू और तेरी सारी फल्टन जो भी तेरे साथ में, समझा? सब और मैं अकेला कैरी के साथ और जितने भी यूट्यूबर है सबके साथ है मैं, एक को भी हाथ लगा के इनका, अगर सच में मर्द का बच्चा है ना तू, एक को भी हाथ लगा के बता। हाँ ट्रैक रेडी कर रहा हूं ना उसके लिए, तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना वो गाली में पीएचडी करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान डिप्लोमा पीएचडी नहीं डिप्लोमा, कुछ सालों के बाद किताबें आएंगी मेरे नाम से। तो अभी पब्लिक ने तेरी कम मारी है, जो तू चाहता है कि ये पब्लिक भड़क जावे और तेरी पूरी अभी से ही चालू कर दे तेरी मारना। हा इधर चुड़िया डाल के बैठे, हा चुड़िया डाल के बैठे ले कि तू इसको धमकी उसको धमकी देगा। और शरीफ पना चोदने के लिए वीडियो बनाता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं वैसा नहीं बोल रहा था, और ऐसा करता है पीठ पीछे। हा उखाड़ के बता जो तेरे गांड में दम है ना। हाथ लगा के बता तू कैरी मिनाटी को। और वीडियो बना उसके ऊपर या किसी के ऊपर भी बना, जवाब मिलेगा तेरे। अच्छी तरीके से जानता है ना नाम, हिंदुस्तानी भाव, ये नाम ही नहीं ब्रांड है, ब्रांड। पीएचडी नहीं डिप्लोमा से बहुत बड़ा। हा आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे यूट्यूब बंदे उसकी बहुत सारी बजाई कि उसने बोलते ही बंद उसकी हो गई है, तो उसको वही कहना चाहूँगा कि तू टिकटॉक वीडियो बनाता है तो उसको बना, क्यों ये लफड़े में पड़ रहा है, तू ऐसे ही लोग बजाएंगे, तेरा कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, और हमारे यूट्यूबर के तो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि मत पूछ बात तेरी, कभी भी वो टिकटॉक बंद जाएगा तो तेरी वाट लग जाएगी, ना तेरे को इनकम होती है तू क्या बनाएगा। तो उसको यही कहना चाहूँगा कि भाई तू जो बना रहा है वो कर, ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है आज की वीडियो में, इतना ही था। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।